बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फोपनार के किसानों से 3 करोड़ की फसल की हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया है। महाराष्ट्र के व्यापारी ने ग्राम के करीब 25 से 30 किसानों का मक्का लेकर चंपत हुआ, जिसकी राशि करीब 3 करोड़ बताई जा रही है। ग्राम के किसान जिसकी शिकायत करने एसपी देवेंद्र पाटीदार के पास पहुंचे, वहीं एसपी देवेंद्र पाटीदार ने इस पर बताया कि फोपनार ग्राम के कुछ किसान आए थे जिनकी शिकायत सुनी गई और थाना प्रभारी शाहपुर को जाँच कर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। हमने शिकायत ये की जितेंद्र वल्लभ महाजन करके करकी का जो है एक व्यापारी है जो हमारे फोपनार में है और हमसे मक्का खरीदी करके गए। लगभग 25 से 30 किसान हैं हम। राशि 2-3 करोड़ के लगभग की राशि है, 3 करोड़ के लगभग। ये 2 माह से खरीदी कर रहे हैं। नहीं, ये जो फोपनार गांव है थाना शाहपुर के अंतर्गत, वहाँ के किसान लोग थे और उनका ये था कि उन्हीं के गांव का एक भांजा है जो महाराष्ट्र का रहने वाला और वहीं के एक और ट्रेडिंग करने वाली कंपनी के साथ में आया था और गाँव का चूँकि सभी से वो परिचित था, उसके विश्वास के चलते उन्होंने उसके मक्के की खरीदारी की थी और मक्के की खरीदारी का कुछ जो पेमेंट आना था वो पेमेंट उसने नहीं किया, उसको लेके शिकायत थी। अभी उनकी शिकायत को सुना थाना शाहपुर को भी निर्देशित किया और आवेदन पत्र जो उनका प्राप्त हुआ है उसमें आवश्यक जांच करके और तथ्यों को देख के अनावेदक को भी बुलवाते हैं और बाकी जाँच करके जो भी बेदानी कर रही है कर। 28-29 उन लोगों ने किसानों के बारे में जानकारी दी, 15,000 क्विंटल मक्का की बात कर रहे हैं।